इस तरीके से जब हम दाल पालक लहसुनी बनाएंगे ना तो सभी को खाने में मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम ये रेसिपी। हमने एक कढ़ाई में घी लिया है, घी में ही बनता है लहसुनी दाल पालक, ये ध्यान रखिएगा। ये एक छोटी टिप है पर खाने को बहुत एक्साइटिंग बना देती है। हमने तीन तरह की दाल ली है, ये अरहर है, ये मसूर की है और ये मूंग के छिलके की दाल है। इसको हमने अच्छे से धो के और उसमें कुकर में डाल दिया, नमक हल्दी और एक चम्मच घी। हमने तीन तरह की दाल लेके इसको एक घंटा भिगो कर फिर कुकर में डाला और फिर हमने उसमें नमक हल्दी पानी डाल के और एक चम्मच घी और इस कुकर बंद कर दिया और उसमें दो तीन सीटी लगा के और गैस बंद कर दी। ओके, जब तक प्रेशर रहा तब तक उसको रखा, प्रेशर हटते ही हमने निकाल लिया। तो देखिए सबसे पहले हम घी में हमारे यहाँ पे मसाले डालेंगे, हम फिर से बात करेंगे। देखिए ये मैं जीरा डाल रही हूँ, एक चुटकी ही है, ऐसा फोइडिडा क्यूमिन सीड्स हमने डाली है, ये दो लाल मिर्च है, ये अदरक मिर्ची है, तो देखिए फाइनली चॉप्ड अनियन हमने एक लिए है, इसमें जिंजर और ग्रीन चिली भी हमने डाली है और ये दो हरी लाल मिर्च डाली है और इस प्याज को अब हम यहाँ पर सॉटे होने देंगे। और ये देखिए यहाँ पे आप प्याज को सॉटे करके अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। पहले भी हमने नमक डाल दिया है, हल्दी, मिर्ची, ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाला है, ये धनिया, कोरिएंडर पाउडर, ये जीरा पाउडर। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद्दला इमाम मृदुला आमिरिया जी के संग आपको दिखाने के लिए लहसुनी दाल पालक। देखिए हम इससे पालक डाल देते हैं। देखिए अभी तक हमने इसमें लहसुन नहीं डाली है, गार्लिक, उसका एक स्पेशल तरीका होता है जो कि हम आपको बताएंगे अभी। अभी हम आप वेट करिए, ये देखिए दाल इस तरीके से जब बनेगी तो बड़े बच्चों सबको पसंद आएगी। देखिए हमारा पालक सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम दाल डाल रहे हैं। तो देखिए वो जो दाल हमने आपको तीनों दिखाई थी शुरू में, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब देखिए जब तक ये उबाल आता है हमारा तड़का तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें घी डालना बहुत इम्पोर्टेंट है और लहसुन का तड़का, हम इसमें लहसुन जो है ना ऊपर से डाल रहे हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, देखिए 6 से 7 कलियां हमने यहाँ पे काट ली हैं लहसुन की, 6 to 7। अब हम गैस बंद कर रहे हैं। अब इसमें तो देखिए लहसुन हम बाद में डाल रहे हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। घी में आपको ये बनाना है, ध्यान रखिएगा। और ये दाल पालक अब हमारी रेडी हो रही है। तो ये है लहसुनी दाल पालक आपके लिए, लहसुन का तड़का इसमें डाला है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो भी बनता है जायका का तड़का में। और ये देखिए कितनी अच्छी ये दाल पालक यहाँ पे लग रही है ना, अगर मन कर रहा है खाने का तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में, फिर से आएंगे। बाय बाय एवरीवन।